दोस्तों, आज हम आपको प्याज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि आप नामर्द हो जाओगे अगर आप भी खाते हो भर भर के प्याज। दोस्तों, आप जिस प्याज को आप बड़े चाव से खाते हैं वह आस्तीन के सांप की तरह आपको निगलने में लगा हुआ है, क्योंकि प्याज चाहे सैलेड में हो या फिर खाने में, इसकी वजह से स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिसे हम बड़े चाव से अपना स्वाद बढ़ाने के लिए खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर में किस किस तरह से असर करेगा? हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, मगर सोचेंगे भी तो कैसे? हम इंसान की आदत ही ऐसी होती है कि हम खाते पहले हैं और सोचते बाद में हैं, और फिर कोशिश भी नहीं करते और बड़े मजे से चीजों को खाते रहते हैं बिना यह सोचे समझे कि जो चीज हम खा रहे हैं वह कितनी फायदेमंद और कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। पर दोस्तों, असल मायने में कहा जाए तो हमें किसी भी चीज को खाने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। ऐसे में आज हम बात करेंगे कच्चा प्याज खाने के बारे में। दोस्तों, जहां बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कभी कभी डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाते हैं, वहीं प्याज हर एक बीमारी का समाधान अपने अंदर समेटे हुए है। प्याज के अंदर इतनी खासियत होती है कि वह कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी मात दे सकती है, क्योंकि प्याज पेट में बहुत सी जगह बनने वाली कोशिकाओं को पनपने से रोकने में मदद करती है। प्याज में क्वेरसेटिन और एंथोसाइनिन रासायनिक की मात्रा ज्यादा होती है। यह क्वेरसेटिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले कणों को रोकता है, जिस कारण कैंसर होने का जो डर है वह कम रहता है। इसलिए प्याज का सेवन करने से शरीर में कैंसर के जीवाणुओं को पनपने का मौका नहीं मिलता और कैंसर हमारे शरीर में फैलने से बच जाता है। साथ ही प्याज का सेवन करने से मुंह के कैंसर से भी बचा जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा देखा गया है, जो लोग प्याज का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं उन्हें कैंसर होने की उम्मीद ना के बराबर होती है। इसलिए कैंसर को रोकने में प्याज बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब प्याज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को हरा सकता है तो फिर इसके सामने डायबिटीज क्या चीज है। प्याज डायबिटीज की बीमारी को भी बढ़ने से रोक सकता है। असल में दोस्तों, प्याज में क्रोमियम पाया जाता है जो ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। इसी वजह से प्याज डायबिटीज की रोकथाम में मददगार साबित होता है। प्याज बालों और हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद है। प्याज के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है और बालों को भी मजबूत बनाए रखता है। प्याज में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट के गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं सब की वजह से बालों की मजबूती और लंबाई बरकरार रहती है। प्याज पाचन तंत्र को भी स्वस्थ बनाने में काफी मददगार साबित हुआ है, और इसके लिए आप पके हुए प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पके हुए प्याज में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जिससे कब्ज और गैस जैसी समस्या आसानी से दूर हो सकती है। जब हमारे शरीर में कब्ज की समस्या ही नहीं होगी तो पाचन तंत्र भी एकदम सही से काम करेगा। दोस्तों, प्याज में जो फाइबर पाया जाता है उसे ऑनल फ्रक्टोज कहा जाता है। यही फ्रक्टोज फैक्टर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है ताकि आंत ठीक से काम कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, आलू भी फ्रक्टोज दस्त जैसी समस्या के लिए एक अच्छा उपाय है। इससे तुरंत ही लूज मोशन की परेशानी भी दूर हो जाती है। प्याज पाइल्स के असर को काफी हद तक कम करने में सहायक होता है। साथ ही प्याज में कुछ नेचुरल प्रोपेल्ड भी मौजूद होते हैं जो कब्ज को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जिसके पेट में कीड़े हैं उन्हें भी इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्याज पर ही निर्भर रहें। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना होगा और डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप दवाई या प्याज का सेवन कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के शरीर पर हमेशा किसी परेशानी की वजह से सूजन बनी रहती है और उसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब आपको इस समस्या से और जूझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्याज ही आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों, प्याज में क्रिस्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है। दोस्तों, प्याज वैसे तो रोजमर्रा की एक नॉर्मल सी चीज है जिसे लोग सब्जी में डालकर या फिर कच्चा खाना पसंद करते हैं। प्याज को बहुत ही आम समझा जाता है, लेकिन दोस्तों, यह आम सी दिखने वाली चीज पुरुषों के पार्ट्स को एकदम बदल कर रख देती है। प्याज में फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन सी जैसे कई सारे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को एकदम हेल्दी और निरोगी बनाए रखते हैं। साथ ही दोस्तों, प्याज खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, प्याज हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। और तो और, प्याज में फ्लेवोनॉइड्स के गुण पाए जाते हैं जो हमारे बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को रोकने में हेल्प करते हैं।
प्याज हमारे खून में मौजूद पॉलीफेनोल लेख की स्थिरता को मेंटेन बनाए रखती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा ना के बराबर होता है। और साथ ही अगर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और किसी भी चीज से वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप सबसे ज्यादा प्याज का सेवन कीजिए। ऐसा करने से केवल कुछ ही दिनों में कोलेस्ट्रॉल घटता हुआ नजर आएगा। प्याज हमारे शरीर में मौजूद खराब बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, साथ ही हमारे शरीर में कई ऐसे फायदे पहुंचाती है जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले के लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्याज का सेवन किया करते थे, मगर सैलेड में प्याज को शामिल न किया जाए तो वही सैलेड किसी काम का नहीं होता है। यही वजह है कि पहले के जो लोग होते थे वो आज के मुकाबले काफी हट्टे कट्टे होते थे और साथ ही उनका शरीर जल्द ही किसी बीमारी की गिरफ्त में नहीं आता था। लेकिन दोस्तों, आज कल के लोग शुद्ध चीजों को खाने के बजाय बाहर की चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ना तो आज का यूथ हेल्दी है और ना ही उसके शरीर में ताकत है। चलिए आगे और जानते हैं कि प्याज के क्या क्या फायदे हैं। प्याज में दो तो क्यूरोसिटी कंपाउंड पाया जाता है और यह क्यूरोसिटी कंपाउंड दिमाग में LH हार्मोन यूटिलाइज हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यह बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। प्याज के ऊपर रिसर्च करने पर पता चला कि प्याज में सबसे ज्यादा मात्रा में कैरोटीन मौजूद होता है। इसे आप बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि यह इसी तरह से काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें मरने से बचाता है और उन्हें हेल्दी बनाता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा पुरुषों को ही होता है, क्योंकि दोस्तों इससे पुरुषों की जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, और जिन पुरुषों में स्पर्म की संख्या कम है तो प्याज को खाने से स्पर्म की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और उनकी फर्टिलिटी भी काफी बेहतर हो जाती है। इसलिए प्याज सबसे ज्यादा पुरुषों के लिए फायदेमंद साबित होता है। आज के समय में दोस्तों कुछ भी शुद्ध और हेल्दी नहीं है जिसका अंदाज पुरुषों के शरीर में आई कमजोरी को देखकर ही लगाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि शादीशुदा पुरुषों का जीवन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उनके स्पर्म की क्वालिटी तो घटी रही है, साथ ही टेस्ट स्टोरेज में भी काफी कमी देखने को मिली है, और साथ ही ऐसे में हर शादीशुदा पुरुष परेशान रहता है और वह अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल नहीं बना पाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस बढ़ती हुई समस्या को ध्यान में रखते हुए प्याज के और फायदों के बारे में जानने के लिए बहुत ही गहन अध्ययन किया है और पता चला है कि प्याज पुरुषों की टेस्ट और स्टोरेज क्षमता को काफी हद तक बढ़ाता है। आपको बता दें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो पुरुषों में रोमांस की इच्छा को बढ़ावा देता है। जब वैज्ञानिकों को इस प्याज के असरदार नुस्खों के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले इंसान पर अपना फॉर्म्यूला नहीं आजमाया, बल्कि सबसे पहले यह एक्सपेरिमेंट चूहे पर करके देखा, और एक्सपेरिमेंट की सफलता को देखकर वैज्ञानिकों ने यह फार्मूला इंसानों पर अप्लाई किया और इसका असर दोस्तों कुछ ही दिनों में इंसान के टेस्टोस्टेरोन पर देखने को मिला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता कैसे है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। जब LH हार्मोन हमारे दिमाग से बाहर निकलकर हमारे टेस्टिस तक पहुंचता है और इस पर काम करना शुरू करता है, तो इसी प्रोसेस से टेस्टोस्टेरोन का जन्म होता है, और यही प्रोसेस हर एक पुरुष के शरीर में होती है और इसी तरह टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की दर 300 से 1000 नैनोग्राम डेसीलीटर होती है, लेकिन जब यह दर 300 से नीचे घट जाती है तो पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी महसूस होने लगती है और उसके अंदर से यौन संबंध की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन इस घटते टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के सबसे सरल और आसान उपाय है, जो हमारे न्यूट्रलाइज हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिससे हमारे टेस्टोस्टेरोन की दर भी बढ़ जाएगी और सारी समस्या यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या खाने से होगा? तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्याज का सेवन करना है। यही टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्याज हर बीमारी का रामबाण इलाज है। वहीं अगर आपको सामान्य दोष की समस्या है और आप भी इसके चलते हर समय परेशान रहते हैं और अपनी बीवी के साथ अच्छे से नहीं रह पाते हैं, तो इसमें भी प्याज आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसी खासियत होती है जो संबंध दोष से लेकर दूसरी सभी समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित होती है। वैसे जब पुरुष में यौन संबंधी की कमी को देखा जाता है तो डॉक्टर उन्हें एक टैबलेट देते हैं। यह इसलिए दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, और यही गुण प्याज में भी पाया जाता है।
प्याज भी हमारे शरीर में नेटवर्क साइड को तेजी से बढ़ा देता है, इसलिए आप किसी दवा की मदद ना लेकर अपनी इस परेशानी को प्याज से भी खत्म कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, प्याज के ये सभी फायदे आपको कैसे लगे? वैसे आप प्याज को किस समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।